प्रकाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण ओंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान उपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, आहा दुर्योधन बांध मुझे। ये देख गगन मुझ में लय है, ये देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल, अमृत फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में, उदयाचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्षस्थल विशाल, भुज परिधि बंद को घेरे है, मैनाक मेर पग मेरे हैं, दीप्ते जो ग्रह नक्षत्र निकर, सब है मेरे मुख के अंदर। दीर्घो तो दृश्य अकांड देख, दीर्घ हो तो दृश्य अकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख, चर अचर जीव जग क्षर अक्षर, नश्वर मनुष्य सुर जाति अमर, शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र, शतकोटि सरित सर्वसंधु मंत्र, शतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, शतकोटि विष्णु जलपति धनेश, शतकोटि रुद्र शतकोटि काल, शतकोटि दंडधर लोकपाल, संजीव बहाकर साध मुझे, हा हा दुर्योधन पाल। भूलो अकल पाताल देख, भूलो अकल पाताल देख, गत और अनागत काल देख, ये देख जगत का आदि सृजन, ये देख महाभारत का रण, मृतकों से पटी हुई भूल, पहचान कहां इसमें तू है। कृष्ण का एरेगेंस देखिए, अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख, सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं, जिह्वा से कटती ज्वाल सघन, सांसों में पाता जन्म पवन, पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि धर, मैं जब ही मूंदता हूं लोचन, छा जाता चारों ओर मरण, बांधने मुझे तू आया है, बांधने मुझे तू आया है, तभी बड़ी क्या लाया है, यदि मुझे बांधना चाहे मन, तो पहले बांध अनंत गगन, सुने को साध कर सकता है, अगर मुझे बांध कर सकता है। हित वचन नहीं तूने माना, हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना, तो ले मैं अभी जाता हूं और अंतिम संकल्प सुनाता हूं, याचना नहीं, याचना नहीं, अब रण होगा, जीवन जय या मरण होगा, टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भू पर वही प्रखर, फणशेष नाग का डोलेगा, विकराल मुंह खोलेगा, दुर्योधन रण ऐसा होगा, दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा, भाई पर भाई टूटेंगे, विश्वाण बूंद से टूटेंगे, वाय श्रृंगार सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुज के फूटेंगे, आखिर तू भूषाई होगा, हिंसा का पर दाई होगा। थी सभा सन सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश पड़े, केवल दो नर नाघाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे, करजोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय 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 जय। थैंक यू। Amazing. Now we request Shilpa ji to read a kavita as well. In the meantime, Shilpa को बहुत सारी चीजें तो याद भी थी और हमारे साथ में जब कविताएं करने आई तो पीयूष मिश्रा की इन्होंने कुछ करके थी वो भी की और आज शायद आप बात कर रही थी कुछ जो भी मन करे वो जो श्रृंगार उसको भी करते हैं और ये जो कविताएं हैं आपको हिंदी कविता के नाम से एक यूट्यूब चैनल है जस्ट पुट हिंदी कविता ये शायद आप लोगों को मिल जाए वैसे एक उर्दू स्टूडियो भी है एंड अभी दरअसल मैं थोड़ा टाइम इसलिए खा रहा हूँ खाने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन इनके पढ़ने के बाद में वो दैट वाज लाइक ही गॉट सो मच इनटू इट एंड इट वाज अमेजिंग अच्छा वजह से हमारे नाटकों में जान होती थी और हम उन्हें अपना देसी बॉब डिलन कहते हैं तो ये एक प्ले था उसका एक गाना है ये
यार देखो जिंदगी में ऐसा होता है, यार देखो जिंदगी में ऐसा होता है, जैसा होता है वो तो बस वैसा होता है, एक इंसान सांस लेके कहता होता है मैं हूँ जिंदा, देखो जिंदा ऐसा होता है, और फिर तो जिंदगी खुद बोल पड़ती है, तुम जो हो जिंदा तो मुर्दा, I'm forgetting, sorry, तुम जो हो जिंदा तो मुर्दा कैसा होता है, तो यारो जिंदगी को तुम थोड़ा धीरे से हांकना, ये तो गहरा गड्ढा है, थोड़ा डर करके झांकना, वरना तो घूम घूम के गोते खाते जाओगे, आए थे हंसते हंसते रोते रोते जाओगे, और फिर भी ना मालूम पड़ पाएगा राज छिपा था क्या, इसके पीछे तो यारो थोड़ा धीरे से भागना, ये तो गहरा गड्ढा है, थोड़ा डर करके झांकना। ये एक्टिंग है। मैं जाना चाहती हूँ आंखें मूंद, मैं जाना चाहती हूँ, मैं जाना चाहती हूँ सांसें घोटे, मैं जाना चाहती हूँ, मैं जाना चाहती हूँ उस डगर, अंधा है गहरा है जहाँ सफर, मैं जाना चाहती हूँ धड़कन दबोचे, नाखूनों में मेरे जाने तो कोई न रोको मुझे, मैं जाना चाहती हूँ आंखें मूंद, मैं जाना चाहती हूँ। Okay, so we just have time for a few questions, I think one or two, and please keep it short, so we'll take your question. और मैंने हमेशा बीच में एक चलन चल पड़ा था भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री, फिल्म प्रोड्यूसर कुछ लोग जो है मुझे बदनाम करने के चक्कर में बोलते थे कि मैं को ऑफर किया था किया नहीं, लेकिन देखिए हिंदी में जो मापदंड है मेरा या अंग्रेजी में जो मापदंड है वो बिल्कुल उसके उल्टा नहीं है भोजपुरी में, कि स्क्रिप्ट जो है आप लेके आइए मुझे, आप इस कोई डायरेक्टर अगर आपकी बात सुन रहा है मेरी बात सुन रहा है तो मैं उनको ये आमंत्रित करता हूँ, आप स्क्रिप्ट, क्योंकि मैं अभिनेता हूँ, मैं अभिनय करता हूँ, स्क्रिप्ट को ओके करना मेरे हाथ में अपने लिए, अगर आप मुझे एक पटकथा दीजिए जो मुझे लगता है कि प्रोग्रेसिव है, जो भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री को आगे लेके जाएगी, मैं उसमें काम करूंगा, भोजपुरी फिल्म में सिर्फ इसलिए काम करूंगा क्योंकि मैं भोजपुरी में बोलता हूं तो मैं भोजपुरी फिल्म का और नुकसान करूंगा, तो मैं उस जो नुकसान हो रहा है उसमें मैं सहायक नहीं हो सकता हूं अगर योगदान नहीं कर रहा हूं। अगर कोई नया डायरेक्टर आपके पास स्क्रिप्ट लेके आता है तो आप उसको सुनेंगे? नया डायरेक्टर पुराने की बात ही नहीं, बात यह है कि स्क्रिप्ट आपकी अच्छी है, आप नए हैं, आपके लिए प्रोड्यूसर मैं ढूंढूंगा। Okay, so I think we have run out of time. So unfortunately, that will be the end for Q&A. No, if there are any other questions, we can take. Okay, so one last question. So my question revolves around the language only, but it's not about Hindi. It's just that Hindi has only been around for like 150 years now, and we had other languages before that, and we don't really call them languages, and we call them dialects like Bhojpuri and then Marwari and other languages. So, like, where do we stand, like, while supporting them as languages? देखिए जहाँ तक मुझे बात है कि वो प्राकृत हुआ करती थी, मैं सही कह रहा हूँ? हाँ, प्राकृत, और प्राकृत से जो है बहुत सारी भाषाएं निकली, और हिंदी इतनी रिसेंट में नहीं है जितना आप कह रहे हो, लेकिन अब एक माध्यम बना, क्योंकि जो डायलैक्ट्स हैं वो एक खास खास क्षेत्र में बोले गए, खास खास पॉकेट्स में बोले, जैसे भोजपुरी बोली जाती है छोटे से पॉकेट में बोली जाती है, हम भोजपुरी के बहुत बड़े हिमायती हैं, हम उसके प्रचार प्रसार में भी जाते हैं, और जैसे ये वज्जिका बोलती हैं, वज्जिका भी बिहार की एक अलग क्षेत्रीय भाषा है, हम सबका उसी तरह से सम्मान करते हैं,
लेकिन वज्जिका बोलने वाला है, चाहे भोजपुरी बोलने वाला या मैथिली बोलने वाला या मगही बोलने वाला या मध्य प्रदेश का कोई व्यक्ति है या यूपी का है या दिल्ली के बहुत कत्ते हैं, वो सब लोग ने माध्यम चुना हिंदी को चुना है। इसलिए समय जैसे जैसे आगे बढ़ता गया वैसे वैसे लोग अपना माध्यम चुनते गए। अंग्रेजी जो है उल्टा, अंग्रेजी हमने चुना नहीं, हमारे ऊपर थोपी गई, ये हमारा चुनाव नहीं है। अंग्रेजी हमने अंग्रेजी सिर्फ इसलिए सीखी क्योंकि कुछ एक एलीट वर्ग था, मुझे उससे जो है अप्रूवल लेना था अपने बारे में, इसलिए मैंने अंग्रेजी सीखी। या कॉस्मोपॉलिटन एरिया में एक खास जगह पे पब्लिक स्कूल के लोग थे जो ज़्यादा उच्च पदों पे थे, मुझे उनकी नज़र में अच्छा बनना था, इसलिए अंग्रेजी सीखी थी। हिंदी माध्यम जो है वो लोगों ने समाज नहीं चुना, और आज वही समाज उसी समाज के लोग के ऊपर हिंदी थोपी नहीं जा रही। हम उसके प्रेम, हमारे अंदर में जो भाव है, प्रेम है हिंदी को लेकर के, वही हम आपके सामने प्रकट करने आए। अगर क्योंकि हमें लगता है कि हिंदी का प्रचार प्रसार बहुत आवश्यक बहुत सारी चीज़ों से, हमारा एक अपना साहित्य है और लंबा चौड़ा इतिहास है उस साहित्य का, और हमें लगता है कि हिंदी में हम ज़्यादा अच्छे ढंग से अपने आप को व्यक्त कर पाएंगे क्योंकि इस धरती से ऊंची हुई वो भाषा है। जैसे कि मराठी, जो महाराष्ट्र के लोग हैं उनके लिए मराठी है। तो हम अपने बारे में, अपने प्रेम के बारे में, अपने भाषा के प्रेम के बारे में बात क्यों नहीं कर सकते, उसके फैलाव के बारे में बात क्यों नहीं कर सकते, वो आगे बढ़े, वो उसमें और काम हो और रचनाएं हो, उसको पढ़ने वाले लोग और मिले। अगर शिल्पा पढ़ रही है तो ये हिंदी भाषा के लिए ये एक अच्छी बात है। मैं चाहूँगा कि और भी बहुत सारे लोग जो भले ही इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े, अगर वो हमारे साथ आते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं से अगर हिंदी से नाता रहा है उनका, फिर वापस उसी जगह जा रहे हैं, ये हमारे लिए सफलता है। इसका मतलब कि मनीष का जो या मनीष जैसे कई सारे लोगों का जो अपना अपनी जो प्रयास हो रहे हैं वो कहीं ना किसी दिशा की तरफ जा रहे हैं, ये बहुत आवश्यक है।